नेक्स्ट डोम सेशन में एक बहुत ही शॉकिंग एलिमिनेशन आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, पर यार तुम लोगों की तारीफ तो बनती है। कशिश के कैरेक्टर पर किसने बात बोली थी ये सारे लोग गेस कर रहे थे, और कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, सबने अरबाज 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 कमेंट किया, और आज वो चीज रिवील हुई कि अरबाज नहीं वो चीज बोली थी। मतलब स्प्लिट्सला के कंटेस्टेंट से भी ज्यादा शाणे हो भाई तुम लोग। आई एम श्योर तुम में से कुछ लोगों को स्प्लिट्सला जरूर जाना चाहिए। उसके बाद कशिश भाई साहब अरबाज के ऊपर जो तो फटने वाली है ना अपकमिंग एपिसोड्स में, क्योंकि अगले वीकेंड हम लोगों को देखने को मिलने वाला है एक टास्क को कौन परफॉर्म करेगा, कौन उसका विनर होगा, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेनली टॉक अबाउट द डोम सेशन। इस बार के डोम सेशन में उन्नति तोमर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने वाले हैं, जिसमें उनके एक्स के बारे में फोकस किया जाएगा। इशिता बोलती है उन्नति के बारे में कि उनने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी वगैरह सबके प्लान्स बना रखे हैं। वो डोम सेशन में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती हैं कि उन्नति जो है अपने एक्स के पास चली जाएगी, और आगे चलकर दिग्विजय इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा। बट एज ऑफ नाउ जितना हम सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दिग्विजय और उन्नति जो है डेफिनेटली अभी भी एक साथ हैं, बट उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कोई भी टैग नहीं दिया है। साक्षी और जस्टिन ने इन लोगों का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें आप लोग सुन सकते हो कि अपने रिलेशनशिप के बारे में दोनों क्या बोलते हैं। अभी तक ये मेरे साथ ही है, दिस इज किसी से रिलेशनशिप माइट बी अभी, लेकिन अभी 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 हम विला में तो बिल्कुल एक्सप्लोरेशन नहीं चल रही है, हमें पता है कि हम दोनों को एक साथ ही रहना है, एंड देखते हैं आगे की धीरे-धीरे क्या होता है। समथिंग दैट नॉच डोम सेशन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि अनिका जो है बहुत ज्यादा रो रही है, तो एक ही रीजन हो सकता है भाई जिसकी वजह से इतना रोएगी, और वो रीजन है श्वेत। जी हाँ, इस डोम सेशन में श्वेत तोमर का एलिमिनेशन होने वाला है, एंड दिस इज द शॉकिंग एलिमिनेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। श्वेत के साथ साथ एलिमिनेशन हो जाएगा इशिता का। दिग्विजय इशिता के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं वो विला के सामने सबको बताते हैं कि पिछले 4 साल से इशिता उनके साथ रही है, उनके अप्स एंड डाउन्स में कि बहुत सारी चीजों में दिग्विजय को इशिता ने ही इनकरेज किया है। यार एक चीज लगती है मुझे दिग्विजय के बारे में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि थ्रू आउट द स्प्लिट्सला दिग्विजय ने खुद को काफी ज्यादा क्लासी और रिस्पेक्टेड रखा है। लाइक दूसरे लोग जो है भौंकने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं एक दूसरे को, बट पता नहीं वो बंदा बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज दिखा। ऐसा नहीं है कि मैं श्वेत तोमर का हेटर हूं या मैं श्वेत को लाइक नहीं करता, रोडी से श्वेत भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बस मैं उनके लिए क्लियर कर रहा हूं जो नीचे आके कमेंट में लिखने वाले हैं कि ये दिग्विजय का पूरा साइड ले रहा है। तो भाई श्वेत इशिता और साथ साथ शोभिका का इस डोम सेशन में एलिमिनेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मिस्चिफ बॉक्स यहाँ पर खुलने वाला है, और उस मिस्चिफ बॉक्स की वजह से श्वेत जो है वापस से शो में रिटेन हो जाएंगे और वो इस एलिमिनेशन से बच जाएंगे, और इन द एंड इशिता और शोभिका जो है घर जाने वाली है। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट डाउन बिलो, एंड विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।